वेलकम टू इंडिया फर्स्ट न्यूज, दिस इज अभिनय सोनी एंड द प्रोग्राम यू आर वाचिंग इज यूथ फर्स्ट, जिसमें हम पूछते हैं लोगों से कई सवाल जिसके हमें मिलते हैं कुछ उल्टे पुल्टे और कुछ इंटेलिजेंट आंसर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू आस्क सम भोपालीज अबाउट देयर भोपाली सेंस। तो देखते हैं भोपालियों का भोपाल के बारे में क्या राय है, भोपाल के बारे में लेट्स सी। हे hey, तो हमारे बीच में कुछ खूबसूरत चेहरे हैं जो कि भोपाल से। भोपाल से आप? जी हाँ, भोपाल से। कब से भोपाल? आई एम फ्रॉम भोपाल। आई एम फ्रॉम पटना। भोपाल से नहीं, एमपी बालाघाट से। प्योर भोपाली? प्योर भोपाली। प्योर भोपाली तो नहीं, हम बहुत तरफे हैं। पूरे भोपाली, पक्के भोपाली। क्या भोपाली? बर्रुकाट भोपाली। एक नया वर्ड सीखने को मिला है, बर्रुकाट भोपाली है ये लोग। भोपाल के बारे में ऐसी क्या खास बात है जो भोपाल को बाकी सिटीज से अलग करता है? सिटी ऑफ लेक, ब्यूटीफुल। लेक ऑफ भोपाल, लेक्स एंड भोपाल ऐसी जगह है, यहाँ पे सभी कॉम्बिनेशन से मतलब आपको नेचर भी मिलेगा, बिल्डिंग्स वगैरह सब है, तो ये जगह हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। कि बहुत अच्छा फीलिंग आता है, यानी कि घूमने उमने में बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरी इससे चिनार पार्क, चिनार पार्क, चिनार पार्क भी क्या होता है? अच्छा, तो आप लेके जाते हैं चिनार पार्क? तो कहाँ लेके जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह हमें भी बताओ कि हमें पता चले ऐसी और कौन सी जगह? चिनार पार्क। सबसे बड़ा स्थानीय चीज का है तो वो है बड़ा तालाब, बड़ा तालाब जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। पार्क का तो लेक है, झीलों की नगरी कहा ही जाता है, की जगह है यहाँ पर। दूसरी बात जो है विशेष है यहाँ का पर्दा जर्दा, बहुत पर्दा और जर्दा। हाँ, ये बहुत भोपाल की खास विशेष बात है। आज का शोहरत महल है, गौर महल है, झीलों की नगरी है, और भोपाली हर बात पे गाली बकता है। भोपाली हर बात पे गाली बकता है, ये बहुत ही तुमने बताया। एग्जैक्टली, तो कौन सी ऐसी गाली है जो भोपाली हर बात पे बकता है? ऐसी भी भोपाल की, भोपाल में जो है तहजीब है इसलिए गाली बकती है। एग्जैक्टली, ये थी भोपाल की तहजीब, जैसा कि इन्होंने कहा कि भोपाल में तहजीब है इसलिए वो गाली ऑन कैमरा पक्की नहीं बताएंगे। और क्या चीज़ है भोपाल के बारे में जो लोगों को पसंद है, आपको पसंद है? प्योर इंडियन? बिल्कुल प्योर इंडियन। नमस्ते, नमस्कार, सब ठीक है? मैं भोपाली नहीं हूँ, मैं पटना से आया हूँ। आप भी? आप? मैं पटना से। पटना से भोपाल घूमने हमारे भोपाल में आके आपको? भोपाल एक काफ़ी कूल एंड काम और काफ़ी डिसिप्लिन सिटी है कंपेयर टू अदर सिटीज ऑफ इवन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, बट आई फाइंड हियर पीपल आर वेरी मीन्स सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड वर्क ओरिएंटेड। भोपाल के लोग नहीं पसंद? हाँ, लोग भी अच्छे हैं। क्या क्या चीजें ऐसी है जो भोपाल में बड़ी फेमस है? पोहा जलेबी। पोहा जलेबी भोपाल? सब कुछ अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, भोपाल का फूड बड़ा फेमस है, जैसा कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बार बार से लोग भोपाल का फूड टेस्ट करने आते हैं, तो आपने टेस्ट किया भोपाल का फूड? जैसे यहाँ पे आगे फेमस है भोपाल की चाय, यहाँ पे सागर कह रहे हैं जिसमें पनीर कुलचे मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाय है, बहुत सारी फेमस चाय जैसे राजू टी स्टॉल है, किलोल, और भी बहुत सारी जगह सिटी में जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पे अंगूर ग्रेप्स बहुत ज्यादा, मैंने ग्रेप्स से ही। ग्रेप्स तो सब जगह मिलते हैं भोपाल में, ऐसा कोई खास तोड़ना? मैं ग्रेप्स से ही खाया ज्यादातर, ग्रेप्स ही खाया। बिरयानी, भोपाल की बिरयानी बड़ी फेमस है। चाय? चाय पी, चाय बहुत अच्छी है, लेकिन घूमने आई हूँ। घूमने फूड के मामले में बड़ा फेमस है, तो आपने ट्राई किया भोपाली फूड यहाँ आके? अभी वी आर गोइंग टू ट्राई राइट नाउ। अच्छा, भोपाल में तुमने देखा होगा भोपाल का एक एक्सेंट है, भोपाली एक्सेंट, क्या कर रही हो वगैरह वगैरह? रही हो, कर रिया है और जा रिया है। आई डोंट लाइक दैट टॉक। क्या तो लग रही है वे? भोपाल में जैसे किसी को फोन लगाते हेलो बोलते पहले तो हेलो क्या कर रहे हो तुम, तो कहेगा नहीं यार भाई अभी टाइम नहीं यार, थोड़ा काम से जा रहा हूँ। टाइम नहीं है। भोपाल के बसेस चलती हैं यहाँ पे मिनी बस वगैरह, के जो कंडक्टर का एक्सेंट रहता है वो मंडेरे शाहपुरा है कोई, शाहपुरा ही कोई। हाँ, जो एक्सेंट है ना, जो लैंग्वेज है ना, वो टिपिकली इट इज मीन्स अवेलेबल, मीन्स इट इज फाइंड इट हियर ओनली, नो अदर प्लेस, एंड यू कैन आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट द पीपल ऑफ भोपाल, हाउ दे स्पीक एंड हाउ दे बिहेव, and that's why it has attracted more and more tourists to come to Bhopal and see Bhopal. Aur bade acche log hai, par Bhopal ladkiyon ke hisab se kitna safe hai?
ज़्यादा सेफ नहीं है, मतलब ठीक है अगर आप किसी फ्रेंड्स लोग सर्कल में हो तो ठीक है, अगर सिंगल हो तो उतना नहीं है। आज जैसे घूमा यहाँ पर फ्रेंड के साथ, तो हम जब अकेले जा रहे थे तो देखा कि कुछ लड़के थे तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे जब हम लोग अकेले थे, बट अगर फैमिलीज के साथ जाते हैं तो सेफ रहते हैं। पहले जरूर था पर आज के जमाने में जरूर सेफ नहीं है। आजकल लड़कियों के हाथ से मोबाइल छीन लेना, पर्स छीन लेना ये एक आम बात हो गई, हर पेपर में रोज घटना पढ़ने को मिलती है कि आज इसका पर्स छीन लिया। कल मामले आते हैं जो आउटसाइडर भोपाल में आके बस गए हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं, जो बीटेक करने बीटेक जो कर रहे हैं, जो आउटसाइडर लड़कियाँ जो आउटसाइडर हैं हॉस्टल हॉस्टल में रहती है, जो जिनका व्याप काफी वो वैसी आए बाहर से पढ़ने हैं तो उनका यहाँ कौन कौन बोलने वाला, कौन दरी दौरी की, मतलब भोपालियों में तहजीब है पर जो बाहर से आउटसाइडर्स आए हैं उनके कारण ये सब केसेस होते रहते हैं छेड़छाड़ के वगैरह वगैरह, ऐसा होता है बिल्कुल। जैसे बाहर की मेट्रो सिटीज हैं वहाँ से तो ज़्यादा सेफ है भोपाल, मतलब रात में भी आराम से घूम सकती है, मतलब भोपाल के लड़के सुधरे हुए हैं जिसके कारण लड़कियाँ सेफ है। भोपाल के लड़के सुधरे तो नहीं है, कुछ कुछ हैं एरियाज जहाँ के लड़के अच्छे नहीं है, लड़कियाँ भी अच्छी है। नहीं बता पाएंगे। अच्छा लड़के तो लड़की को छेड़ते, आपने कभी कोई लड़के को छेड़ा है? कभी ट्राई नहीं किया, कभी नहीं लग रहा है। नेचुरली बहुत अच्छा है भोपाल, सिंपलिसिटी है, इसलिए मेरा ही भोपाल है, तो मैं 8 marks से दूंगी। आई सजेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश दैट दे शुड मेक अ प्लान टू एटलीस्ट प्रमोट दिस सिटी, दिस लवली सिटी इन द डेज टू कम। 8 marks क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और काफी अच्छा है, क्लीन है, काफी अच्छा है। आई होप कि आपको भोपाल आप जब घूमेंगे बड़ा पसंद आएगा, भोपाली फूड और भोपाली लोग, एंड गुड लक फॉर भोपाल एंड द पीपल ऑफ भोपाल। तो ये थे ऑसम भोपालीज ऑन भोपालीनेस, और इसी टाइप के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए यूथ फर्स्ट। दिस इज अभिनय सोनी, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।